देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है अटकोटी महागोटी तेरा गोटी इसका गोटी सबका गोटी कौन बनेगा रोडपति। बस और आज हमारे साथ हैं एक त्रीन वन कलाकार, यानी कि एक खरीदे पांच आपको फ्री में मिल जाते हैं, यानी कि इनको हायर कीजिए एज एन एक्टर आपको मिल जाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर ट्रैक्टर प्लम्बर ऑफिस बॉय बिजनेसमैन लॉन्ड्री वाला सब्जी वाला और क्या क्या नहीं। हमारे साथ है फॉरेन एक्टर। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो अमित जी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? फीलिंग ठंडी लग रही है। ऑब्वियसली बनियान में आएंगे तो ठंडी लगेगी। मुझे तो सूट पहनकर ठंड लग रही है यहाँ पर। थैंक यू। और ये जो आपके हाथ में पर्स, बैग, दिस इज माय बैग विद यू। ओह, बैग मिल्का बैग के बाद आजकल आप बैग लेके घूम रहे हैं? नो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद। ऑल्सो हैज वन परफ्यूम, हैज अ बैग, इसके साथ ये फ्री है। अच्छा। और ये ब्रश, ओके, मिल गया। ओह थैंक यू। यू कैन आल्सो यूज, ओह सॉरी, आपका तो भी ये देखकर मेरा कुर्सी नीचे चला गया। तुम्हारा विग भी, आपका विग भी निकल जाएगा अब। काफी अच्छे राइटर भी हैं आप। एक्चुअली इट वाज फ्रॉम माय डैड। सब जानते हैं जावेद साहब। लोग कुछ कहते हैं कि जावेद साहब के मुंह में थूक ज्यादा दे दिया, बेटे के मुंह में आवाज कम। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कहावत, जावेद साहब ने सबके ऊपर किया थूक, उनका बेटा है सबसे बड़ा। सूट। मैं समझ गया था, मैं थोड़ा लल हो गया। आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई। ओ बराबर, अभिषेक ऑलवेज टॉक्स अबाउट। अभिषेक अगर आगे बताए तो कितना मजा आएगा। अभिषेक कुछ काम भी कर ले तभी मजा आएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू, आपने जो सलाह दी। आपने किक देखी? किक सलमान खान। मैं किक क्यों देखूंगा? क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आपको मैं किक करना चाहता हूँ। My God. Anyway, आप ये संगीत में इतनी रुचि क्यों रखते हैं? गीत गायक बच्चन साहब, यू नो लाइक आई हैव बीन वेरी रुचियस इन संगीत, और मेरे गुरु रहे हैं जो मैं जिनको गुरु मानता हूँ। कौन? नुसरत फतेह अली खान साहब। ओह, वी बोथ हैव लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज। रियली? एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द सॉन्ग नैनों ने भारी कैसा जादू किया रे, तेरा मिनट लागे नहीं मारा जिया रे। सी माय वॉइस इज ऑल्सो मैचिंग। भैंस मत कीजिए मेरे साथ बाहर, कुछ भैंसे काफी परेशान हो गए। फिर से कहिएगा। मिल्खा सिंह 200 मीटर, पहुंच जाऊंगा यहाँ से जोर से। 200 मीटर आपका क्या साइज, लेंथ, वेस्ट साइज? बच्चन साहब, यू आर गेटिंग टू वल्गर। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ह्यूमर लाने की कोशिश कर रहा था। कॉमेडी नाइट्स विद कौन बनेगा रोडपति। हाँ तो बताइए, गाने में रुचि क्यों आपको? गाने में रुचि, यू नो एक दिन मैं ऐसी बाथरूम से गाते गाते बाहर निकला। वो तो अभी भी लग रहा है कि आप बाथरूम से निकल रहे हैं। और फिर पता नहीं डैड का एक पेपर सामने पड़ा हुआ था, आई स्टार्टेड सिंगिंग मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पड़ी नॉवेल, मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, आधी पड़ी नॉवेल। गाओ, आप भी गाओ। मैं नहीं गाने रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना ना मत गाइए ना ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? वासुदा का फिर से फोन आया था, तबेले से सारे भैंस भाग गए। बच्चन साहब, डोंट ट्राई टू क्रैक जोक्स। माफ कर रहा हूँ। आपकी उम्र पीछे चली गई बच्चन साहब। मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, आप बचपन से। ओके, मैं बैग पकड़ी मेरा, मैं पकड़ू ये बैग के अंदर जो भी मैं पैसे जीतूंगा आज, ये डाल देना जिसमें मैं बैग होती। जस्ट टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, ये पहन लीजिए। सोचू, माय गॉड, पता नहीं
पहनते कुछ हो जाता है। इधर पहनो। हाँ ठीक है, रेडी हूँ। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत खेल को खेलने के लिए? जी बिल्कुल। वुड यू माइंड इफ आई टॉक इन पंजाबी? पंजाबी में बात करेंगे। क्योंकि आई एम इन अ कैरेक्टर ऑफ मिल्खा सिंह। ओह जरूर जरूर, पंजाबी विच। पंजाबी हमें भी थोड़ी बहुत आंदी है, बाकी सब तूफान है। देखिए बच्चन साहब, हम पंजाबियों विच एक अलग सी फीलिंग होती है। ओह समझ गया, मैं समझ गया। तो क्या समझ नहीं होता? स्मज। जब मेकअप भी मेरा कभी कभी स्मज हो जाता है। तब मज बोलते हैं। मैं पंजाबी में एक दो शब्द अच्छी तरह से जानता हूँ। जी बोलिए। भैण दी पुत्ती। पुत्ती बाद में पता चला किसी का भैण दी पुत्ती। एक बात बताइए मुझे आंटी जी, ये आपका बैग वापस थोड़ा सा भारी है, मैं किसी का हाथ में सौंप दूं? यू कैन कीप इट डाउन। आप किस घराने से हैं? जैसे आपको पता ही होगा कि मल्हार राग आने से बारिश आती है। अच्छा, उसी तरह आप जब गाते हैं क्या गाते हैं, कौन सा राग आ जाता है? राग मल्हार। मोस्ट वैकीएस्ट थिंग अबाउट माय राग इज, जब भी मैं कोई राग गाता हूँ सारे एरिया के डॉगीज जो है वो भाऊ भाऊ करते हैं। इट माइट बी भाऊ राग। भाऊ राग, भाऊ भाऊ राग। वाह, मुझे तो लगा इट विल बी पंजाबियों में एक फीलिंग अलग होती है। हाँ, पंजाबियों में बिल्कुल अलग फीलिंग होती है। आपके जवाबों को सुनकर पसीना आने लगा है। मिल्खा सिंह 200 मीटर। मैं समझ गया, कपड़े खरीदो, 200 मीटर के काम आएंगे। मैंने सुना कि आप बहुत सारे ऑर्जी पार्टीज करते हैं। देखिए हम पंजाबियों में एक अलग सी स्टाइल होती है ऑर्जी पार्टी की। कैसे? जी नहीं भरता तो और जी कर लेते हैं। ओह मतलब पार्टी में जाओ तो सब लोग ऑर्जी, क्या हाल है, ऑर्जी क्या चल रहा है, उस टाइप का ऑर्जी। क्योंकि नॉर्मल जी से जी नहीं भरता तो और जी करते। बहुत सही ऑर्जी आपकी। दूध मिलेगा? दूध, दूध आज थोड़ा। एक मिनट ऐसे नहीं मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं। डोंट डू दैट वल्गर थिंग प्लीज। मैं अपना दूध चेक। डोंट ट्राई टू टर्न मी ऑफ। ओके आगे बढ़ते हैं जी। ये रहा आपका पहला सवाल। हाँ जी। छाता यानी कि अम्ब्रेला, छतरी का सबसे पहले उपयोग कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है ए एम्स्टरडेम, बी नेदरलैंड, सी असम या फिर डी चाइना। छाते का इस्तेमाल सबसे पहले कहां पर हुआ था? बच्चन सर आई वांट टू क्लैरिफाई, ये वही छाता है जो बूंदों को बचाता है या बूंदों से बचाता है? कौन सा छाता है? एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। बस आपका ये प्रश्न सुनकर मुझे बोलने का मन लगा तो मैंने कह दिया फैमिली प्लानिंग का छाता। पोलियो डोज? नहीं, फैमिली प्लानिंग वाला छाता नहीं। पोलियो का डोसेज से फैमिली प्लानिंग नहीं की जा सकती। आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। Exactly. और जो दो बूंद पोलियो का है वो पोलियो से बचाती है। हाँ। और ये जो बूंद आपके पप्पू से टपकता है उससे बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये वो छाते की बात नहीं कर रहा जो इन दो बूंदों को कंट्रोल करता है। हम पंजाबियों में एक अलग सी फीलिंग होती है। मैं समझ गया कि पंजाबियों में बहुत सारी अलग फीलिंग है। तो मैं छाते की बात कर रहा हूँ, छतरी। छतरी सबसे पहले आप फोन फ्रेंड कर सकते हैं। हाँ जी, मैं मेरे डैड को फोन करना चाहूँगा। अब्बू को फोन करना। जावेद साहब जो कि महान शायर हैं, लेखक हैं, कवि हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हमने सुना है। लेकिन आप जावेद साहब को ही क्यों फोन करना चाहते हैं? बाप है मेरा वो। एक्चुअली पापा मतलब जावेद साहब कहीं भी जाते हैं कवि सम्मेलन के लिए तब लोग छाता खोल लेते हैं। कंप्यूटर जी जावेद साहब को फोन लगाया जाए। जावेद साहब मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा रोडपति से। हेलो भाई अभी जी, कैसे हैं भाई? अगर पसंद आए हमारा साथ तो हमें बोल देना। क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं। जावेद साहब प्लीज एक काम कीजिए, आपका बेटा यहाँ पर बैठे हॉट सीट पर और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हेलो डैड। है ऑफिसली बेटा बोले क्या बेबी? डैड यहाँ पे मैं एक सवाल में अटका हूँ। सबको चाहिए एक बीट और तुम वहाँ पे केबीआर में बैठे हो ऑन द हॉट सीट। आपने गार्लिक कुछ खाया क्या? गार्लिक वाला कुछ है? थोड़ा सा लहसुन खाया था। ठीक है, लौंडे के साथ। ठीक है डैड, लौंडा लहसुन। आई नो डैड। है सुनिए डैड। है बेटे बोलिए। हेलो है फरहान बेटा, सुन रहे? सवाल ये सुनिए डैड। है सुन रहे डैड?
बेटा बोलो, मैं सुनता हूँ। जब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले अम्ब्रेला कहाँ यूज हुआ था? चाहता है सबसे पहले कहाँ पर यूज हुआ था? जी जी, ऑप्शन है ए चाइना। चाइना चाइना कॉन्फिडेंट डैड? अरे 100% ओके डैड, ओके डैड, थैंक यू डैड। पिछली बार चाइना गए थे बीजिंग में, अभी मैंने सुना था से कैंसिल हो रहा है, यहां पर स्पीकर चालू है, सब भीग रहे हैं। टंग 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 डैड, सब भीग रहे हैं यहां पर। टंग 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 जान झूठी, आई थॉट ही इज टॉकिंग अबाउट शोले नाउ। आपके शोले के बारे में बात करेंगे। काफी पसीना पसीना हो गया। पसीना नहीं, वो उनका थोड़ा सा जो थूक का प्रॉब्लम लगता है। डैड ने आज गार्लिक चटनी खाई थी। मुझे लग रहा था राजमा चावल कुछ ज्यादा ही खाया। तो जावेद साहब कह रहे थे ए चाइना सही आंसर है। ओके, ए चाइना। एक भी मैं भूल गया कि कौन सा था, लेकिन चाइना सही जवाब है। I can understand. तो जावेद साहब कह रहे थे चाइना सही जवाब है, चाइना को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए, हम पंजाबियों में एक अलग सी फीलिंग होती है। ऑप्शन एनीवे, चाइना को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी आंख के अंदर चला गया थूक आपके। I have missed it. और ये सही जवाब। हाँ, डैड के लिए एक गाना पेश करूंगा। बस जरूर, मैं डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो भले कितनी भी थूक लगा ले शायरी में, लेकिन उन्होंने कभी मेरे लिरिक्स में थूक नहीं लगाई। बिल्कुल नहीं। तो दिस वन इज फॉर यू डैड। आप जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ सुन रहे हो। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। तुम हो तो है सब हासिल, सब हासिल, तुम नहीं ओ हाथ ऊपर मत तो गीत कहा। तुम हो तो है सपनों के जैसा हसीन, बस बस समा, बस बस। जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि आप दिल रॉक ऑन करके कुछ गाएंगे। कमिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आप गा रहे थे, मेरा अंदर से बहुत कुछ बाहर निकल रहा था। इट्स योर प्रॉब्लम। चना कुर्सी की माखियां। आपने किक देखी? किक? आपने क्या कहा? किक मार के उसको ऊपर कर लिया, क्योंकि हम पंजाबियों में गलत सी फीलिंग होती है। हाँ ठीक है, प्लीज समझ गया। फिल्म समाप्ति का घोषणा। ओह माय गॉड, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे। थैंक यू। आपके 3 लाइफलाइन भी बचे थे। नेक्स्ट टाइम आई लूज इट। नेक्स्ट टाइम आई एम सॉरी, ये सेलिब्रिटी एपिसोड में इतना ही वक्त था। आप जीते 1,000 रुपए, टैक्स सर्विस टैक्स सब कुछ काट काट कर आपके हाथ में 5 रुपए कल तक पहुंचा देंगे। वो भी चैरिटी करूंगा। हाँ जरूर, चैरिटी कहाँ करना चाहेंगे आप? मैं अंबाबाई के मंदिर के बाहर करूंगा। और क्योंकि हम पंजाबियों में एक अलग सी फीलिंग। और प्लीज, आपका पंजाबी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। प्लीज आप पंजाब चले जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे साथ आए खेलने के लिए। थैंक यू सो मच, हम पंजाबियों में एक अलग सी फीलिंग होती है। मुझे भी आप इस वक्त बहुत अलग फीलिंग हो रही है। तो थैंक यू सो मच। दूध पीने आइए कभी घर। जोया येड जोया। ओह येड जोया, मुझे लगा सोया, सोया सीड सॉस। आप येड जोया। ठीक है, नाइस टू हैव यू हियर। और आप कुछ वापस क्या कहा आपने? जोया से मुलाकात कर लेना। जरूर जरूर, अभी एक को चांस देगी। आपका पूरा कंप्लीट तो कीजिए। हम पंजाबियों में अलग सी पोएम होती है। मिल्खा सिंह, हाँ 200 मीटर, एपी केबीआर 2 मीटर, जो भी हो। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मीटर या पीटर, सबका मीटर अच्छा। बच्चन साहब, हाँ जी, आपने किक देखी? ओके बच्चन साहब, हाँ जी, आप येड जोया। थैंक यू, येड जोया का।